हेलो फ्रेंड्स, कोटा किचन में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे चना उड़द की सुपर टेस्टी दाल। तो बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे इसे, और आपको जब भी जल्दबाजी हो तो आप इस तरीके से दाल को बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ 2 मुट्ठी उड़द दाल लिए छिलके वाली, और 1 मुट्ठी चना दाल लिए। चने दाल की क्वांटिटी कम रखी है। तो 1 टमाटर को बारीक कट कर लिया है, 2 हरी मिर्च उसे भी कट कर लिया है, लहसुन ने 10-12 उसको बिल्कुल बारीक घिस लिया है, अदरक घिस लिया है, और 1 बड़ी साइज का प्याज उसे बारीक कट करके रखा हुआ है। सबसे पहले गैस पर कुकर चढ़ा देंगे और इसमें डाल देंगे तेल। तेल गर्म होते ही इसमें डाल देंगे 2 चुटकी हींग और 1/2 चम्मच जीरा, और साथ में डाल देंगे 2 सूखी लाल मिर्च। जीरे लाल मिर्च को अच्छे से चटकने देंगे, और इसके चटकते ही इसमें डाल देंगे घिसा हुआ लहसुन, हरी मिर्च और प्याज। इन सबको अच्छे से भून लेंगे। प्याज सॉफ्ट हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, तो इस स्टेज पर इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ टेस्ट के अनुसार लाल मिर्च पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे, ज्यादा मसालों की आवश्यकता नहीं है। और मसाले जले नहीं इसके लिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे। और अब यहाँ इसमें डाल देंगे कटा हुआ टमाटर और अदरक, और इसी के साथ डाल देंगे हम टेस्ट के अनुसार नमक। तो नमक का वीडियो इसमें आया नहीं है, पर इसी में नमक डाल देना है हमें ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए, और इसे ढककर पकाएंगे। तो इसे 1/2 मिनट हमने ढककर पका लिया है, और इसका ऑयल अलग हो गया है, मसाला अच्छे से पक गया है। तो इसमें डाल देंगे हम दाल। दाल को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर देंगे, और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो यहाँ मेरे 1 कटोरी दाल थी, तो उस हिसाब से मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाला है। पानी डालकर इसको बंद कर देंगे, और 7 से 8 सीटी लगाएंगे, क्योंकि उड़द की दाल थोड़ी सी लेट पकती है, इसलिए हमने ज्यादा सीटियां लगाई है। अब 8 सीटी लगाई है मैंने, और अब देखते हैं। देखिए दाल बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। अब हमने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया। देखिए दोस्तों, दाल बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसे सर्व करते वक्त इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल दें और सर्व करें। तो दोस्तों, अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।